हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल रेंज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपैड 9 जेन के 5 मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो मुझे फेस हुआ, जो मुझे लगा, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। तो ये है मेरे पास आईपैड 9 जेन। मैं इसे पिछले आई थिंक 3 या फिर 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट 5 प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये अगर आप इस कैप को लेना चाहते हो तो आपको जानना भी ज़रूरी है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले मैंने बोला था कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। हाँ, इसका क्वालिटी अच्छा है, बट ये नॉन लेमिनेटेड डिस्प्ले है, तो इसलिए इसके अंदर पैनल के अंदर और जो ये ऊपर जो ग्लास है इसके अंदर एक गैप रहता है जो आंखों में लगता है। कभी कभार आंखों में लगता है, इवन जब मैं इसे टच करता हूँ या फिर पेन से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तब भी ये मुझे फील होता है कि यहाँ पे कुछ गैप है। इसकी वजह से थोड़ा सा लेटेंसी मिलता है, और दिखने में भी उतना भी कुछ खास नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे एक एयर गैप मिलता है इसलिए। और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो उतना भी अच्छा नहीं है कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, बट इसका डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है, बट वो जो गैप है वही एक दिक्कत वाला चीज़ है। और इसका जो सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है वो इसका कैमरा प्लेसमेंट, जो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है क्योंकि यहाँ पे दिया है एप्पल ने कैमरा, वो यहाँ पे दे सकता था। जनरली टैब्स लोग यूज़ करते हैं अपने मीटिंग्स के लिए, गूगल मीट या फिर जूम पे मीटिंग के लिए, बट जो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगा, हालांकि इसमें सेंटर स्टेज टेक्नोलॉजी है बट फिर भी ये ऐसा लगता है कि मैं अगर ये तो ये थोड़ा सा ना क्या बताऊँ अभी हम इसको, तो ये थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये है कि इसका मैंने जो बोला कि यहाँ पे इसका कैमरा है, तो मैं जब टैब को ऐसे रखता हूँ तो हम लोग जनरली इस साइड पे देखते हैं, बट इस टैब में जो कैमरा है वो है इस साइड पे। तो जब मैं इस तरफ देख के बात करता हूँ तो तब लोग सोचते हैं कि मैं किसी और की तरफ ही देख के बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। बट अभी क्या किया जा सकता है इसके इसके बारे में, तो एप्पल को देना चाहिए था। हालांकि आईपैड 10 जेन में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट 9 जेन में ये प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम है वो है इसका स्पीकर क्वालिटी की। इसका स्पीकर क्वालिटी अच्छा है, ख़राब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलेगा आपको, ऊपर के साइड कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर के साइड कोई स्पीकर नहीं है। बट इसका क्वालिटी सही है, बट इसका लाउडनेस ज़्यादा नहीं है। अगर मैं अपने AC चलाऊँ तो शायद मुझे ठीक से सुनाई देता है। जब मैं अपने रूम पे AC चला के इसको सुनता हूँ तो तब ठीक है, डिसेंट है। बट जब मैं अपना पंखा चला लेता हूँ, फैन चला लेता हूँ, तब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो इसकी वजह से मुझे कभी कभार फैन बंद करके AC चलाना पड़ता है जब मुझे इससे सुनना पड़ता है। तो इसका लाउडनेस और ज़्यादा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये टैब बहुत ही बड़ा है तो स्पीकर्स बड़ा होना चाहिए था। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और काफ़ी लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है क्योंकि मैं इस टैब को बहुत ही हेविली यूज़ करता हूँ। इस टैब को मैं बहुत ही हेविली यूज़ करता हूँ, और इसमें एडिटिंग से शुरू करके मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ और गेम्स खेल लेता हूँ इसमें अच्छे से अच्छा। बट ये टैब क्या है, ये अच्छा है, अच्छा चलता है, बहुत ही बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिटरिंग नहीं है, स्मूथ है। बट कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है इस टैब को, और ये लैग करना शुरू कर देता है, ये लैग करते हैं। और अगर मैं दिखाऊँ तो इस साइड पे, इस वाले साइड पे, यहाँ पे थोड़ा वार्म हो जाता है ये टैब। और यही प्रॉब्लम है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, बट इसमें जो चिपसेट यूज़ किया है वो आईफोन 11 का चिपसेट है, सो वो अभी पुराना हो गया, शायद इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और इसके अंदर 3 GB का रैम है शायद इसके लिए, बट फिर भी जो भी हो, बट मुझे तो लगता है मुझे मिल रहा है थोड़ा बहुत वो स्टटर लैग ऐसा ही। और एक चीज जो है मुझे बहुत ही खराब लगता है सिर्फ इस टैब का, और वो है इसका बटन प्लेसमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि ये अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इसका बटन ना थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ऐसे मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, इस साइड पे होना चाहिए बटन, बट ये टैब जो है पीछे से मुड़ा हुआ है। आई थिंक इसलिए इसे ऐसे ही फिट किया, बट इसका पोजीशन मुझे अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बटन है, इसका पोजीशन अच्छा नहीं लगा मुझे। प्रॉब्लम होता है कभी कभार ऐसे क्लिक करने में, और मैं इसे केस के साथ यूज़ करता हूँ तो केस के साथ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसका वॉल्यूम रॉकर्स को यूज़ करना और लॉक अनलॉक करना। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और मैंने मुझे जो लगा इस आईपैड के बारे में, जो 5 नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा मैंने आपको बोल दिया।
अगर फ्यूचर में भी कुछ ऐसा लगा कि आपको बताने के लायक है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो iPad 9 Gen खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए, ताकि वो लोग जान सके इस पैड के बारे में। और मैंने इसके बारे में और एक भी वीडियो बनाया है, वो फुल रिव्यू था, आप वो भी देख सकते हो। और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी और फेसबुक का आईडी और ट्विटर का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन पे देके रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।